गुड मॉर्निंग। सो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जब से राउंड टू का रिजल्ट आया एमसीसी काउंसलिंग का और सबके सामने वो बात जाहिर होगी जो मैंने शायद 3 महीने पहले बता दी थी कि इस साल काफी सीट्स प्राइवेट की खाली जाएंगी क्योंकि काउंसलिंग डिले होती जा रही है और कुछ लोग समझदारी वाला डिसीजन लेंगे। फिर जब डीम्ड की फीस लॉन्च हुई थी और वो फाइनल फीस तभी आती है जब एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो देखिए नई नई कॉलेजेस 24 लाख 22 लाख रुपए साल की फीस मांग रहे हैं, मतलब मजाक बना दिया था इन्होंने, 1.25 करोड़ का पैकेज। और उसके साथ हम क्लब करें कि अब इंडिया में सरकारी सीटें भी देखिए बढ़ गई हैं, हर साल 5 से 7 हजार सीटें बढ़ रही है, इस साल 90 हजार पार हो गई जो लास्ट ईयर 83,000 थी, तो पिछली 7 हजार सीटें बढ़ी है ना, वो सीटें सरकारी में भी बढ़ी हैं, वो सीटें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ी हैं, रीजनेबल फीस वाले प्राइवेट कॉलेज में बढ़ी हैं, जिनका इम्पैक्ट ये हुआ है कि काफी डीम्ड की यूनिवर्सिटी सीट्स इस समय राउंड टू में खाली है, मतलब कि लोगों ने देखिए अप्लाई भी नहीं करा, वरना तो ये रहता था ना कि अलॉटमेंट हो गई है लेंगे नहीं लेंगे, 1000 से ऊपर तो टोटल डीम्ड में ऐसी सीट्स हैं जो लोगों ने अप्लाई नहीं करा, तो किसी डीम्ड में अगर 150 सीट्स हैं तो एलोकेशन ही उतने 130 हुई है जो बहुत रेयर चीज है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं अपने सारे दर्शकों के लिए जो बहुत ज्यादा ना आफत बचाते हैं, जो इतने मेरे लिए क्लाइंट्स हैं, और आप मैं हमेशा उनको कहता हूं कि ठीक है कभी कभार हमें बात पहले करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली ये जो मॉपअप की बात है या जो नेगोशिएशन की बात है, बिल्कुल बात सच है कि ये पिछले 2 साल से ये होना शुरू हुआ है। देखिए पहले तो इंडिया में एमबीबीएस की सीटें इतनी कम थी और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कॉलेज मुंह मांग के प्राइस लेते थे। लास्ट ईयर से शुरू से फिर से जब कोविड का पहला प्रभाव आया तो लास्ट तक ट्रेंड ये था कि वो जो एनआरआई सीटें कन्वर्ट होती थी लास्ट में वो आपको मैनेजमेंट सीट पे रेट पे मिल जाती थी। आप समझ रहे हैं, मतलब वो नेगोशिएशन ऐसी थी कि अगर मेरी मैनेजमेंट की फीस का पैकेज 90 लाख है और एनआरआई का 1.25 करोड़ है तो लास्ट में मैं एनआरआई की सीट आपको मैनेजमेंट की पैकेज में दे देता था, वरना कॉलेज के ओनर तो इस चक्कर में रहते थे और रहते हैं कि आप जो लोग ज्यादा ऑफर बचाते हैं कि आपसे एनआरआई की फीस ले लें, समझ गए आप। तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक कॉलेजेस के पास एनआरआई की, और सब जानते हैं एनआरआई की फीस ज्यादा होती है, तो अगर आप अभी जाके बोलोगे तो बोलेंगे ठीक है हम आपको एनआरआई की सीट कमिट करते हैं जी, राउंड 3 में जब कन्वर्जन होगी या राउंड 4 में, इस साल तो राउंड 3 में हो रही है, आपको दे देंगे, जबकि वो कुछ नहीं करते, उनको पता है कि एनआरआई की एप्लीकेशन ही नहीं है। अगर आप वेट करते पेशेंटली तो आपको मिल जाती नॉर्मल मैनेजमेंट फीस की सीट की फीस। फिर जो लोग बहुत महंगे होते थे वो कभी कभार नॉर्मल फीस में भी 5-10 लाख की नेगोशिएशन चल जाती थी, ये जो कुछ कॉलेज हो गए जिनका वैसे पैकेज 90 लाख था वो 80-82 में बात करके दे देते थे, प्रॉपर लिखित एग्रीमेंट होता है बच्चे और कॉलेज के बीच में, और एमसीसी या किसी भी अथॉरिटी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको ये बात बहुत क्लियर कर दूं, बट आपका और कॉलेज का एग्रीमेंट है वो सॉलिड होना चाहिए और उन्होंने खुद ही बना रखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, अब डीम्ड को देख के काफी बातें करी जा रही है, हमारे पास बहुत फोन आ रहे थे और मैं सबको यही कह रहा था सबर करो सबर करो। क्यों सबर करो, सबर इसलिए कीजिए कि अभी काफी जगह स्टेट्स के राउंड टू चल रहे हैं, और देखिए पहले आप मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, समझिएगा ध्यान से, और मैं भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। तो ये हो गया कॉलेज की क्वालिटी, ये हो गई फीस, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा कि उसमें जाऊंगा, हम 3 तरह के प्राइवेट कॉलेज पकड़ते हैं, एवरेज गुड वेरी गुड, जबकि कोई बिलो एवरेज भी होते हैं भी छोड़ देते हैं। फीस मैं कहूंगा रीजनेबल, लो तो कहीं है ही नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये मैथमेटिक्स की भाषा में 3x3 9 ऑप्शन आपके सामने आती है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, 9 ऑप्शन कैसे, गुड क्वालिटी कॉलेज लो फीस, जिसमें आएंगे आपके कर्नाटका के एग्जैक्टली 6 कॉलेज, सारे नहीं, तो कैंपे गौड़ा, MS रामिया, सेंट जॉन्स, ऑफकोर्स CMC लुधियाना, हम यहां पर पकड़ लें हम, तो ये हो जाता है कि गुड क्वालिटी कॉलेज, एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी, और फीस भी रीजनेबल फीस ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में तो मिनिमम फीस भी केरला को छोड़ दें तो अब तो 10-9-90 है, तो हॉस्टल वगैरह मिला के आपकी जेब से 55-60 लाख तो जाने ही है ना। अब केरला की बात करते हैं, केरला लो फीस, लेकिन क्या उनकी क्वालिटी सबकी वेरी गुड है, नहीं। 2 कॉलेज हो गए जुबली मिशन जिनको हम वेरी गुड में ले सकते हैं, उसके बाद कुछ है जो गुड में है, कुछ है जो एवरेज में भी आएंगे, एक तो इन बात का ध्यान रखिएगा। सिम्बियोसिस, फीस रीजनेबल है लेकिन मेरी नजर में वो कॉलेज भी अभी एवरेज ही है।
फिर भी तो आपको सर एवरेज कॉलेज है फिर भी कट ऑफ इतनी ऊपर है, वो इसलिए रहती है कि लोग है वो इसको देख रहे हैं फीस को, तो वो ये नहीं देख रहे कॉलेज लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है। अच्छा लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है 2021 में, सिम्बोसिस भी किस में हुआ है, मणिपाल टाटा भी किस में, पर मणिपाल टाटा मैं यहाँ रखता हूँ, सिम्बोसिस को यहाँ रखता हूँ, क्योंकि मणिपाल टाटा का हॉस्पिटल बहुत साल पुराना है, उन्होंने तो फाइनली कॉलेज खोला है वो जनता के डिमांड पे, सिम्बोसिस ने कॉलेज ही खोला है पैसे कमाने के लिए। अब समझ रहे हैं आउटस्कर्ट्स में पुणे के कोई पेशेंट आउट इनफ्लो नहीं है, ठीक है पढ़ा ठीक ठाक देंगे लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो ये ना इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। और ये मैंने सारी बातें बोली जब जिसे बोलते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक है कि जितनी फीस है कि फीस और क्वालिटी, अब क्वालिटी की हमने बात की खाली एजुकेशन की एज ऑफ नाउ, अब एजुकेशन की क्वालिटी भी ना एक्चुअली सबके लिए सेम नहीं है क्योंकि भारत एक नहीं है। भारत में अभी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैंने मना भी किया था, राउंड टू में उनको तमिलनाडु मिला, वो रिपोर्ट करने चले गए, वहां से फोन आ रहे हैं सर रिपोर्ट करने का मन ही नहीं कर रहा, जब यहाँ आए हैं तो पता चल रहा है कि एक्चुअली जो आप समझाते थे कि लैंग्वेज और फूड इशू कितना होता है। अब ना देखिए अक्सर हमें क्या लगता है अरे फूड क्या बात है सर, क्योंकि हम जो शुरू से नॉर्थ इंडिया में रहा है, स्पेशली देखिए नॉर्थ इंडिया के लोग स्पेशली साउथ में जाके डीम्ड ले रहे हैं तमिलनाडु की या उसकी कर्नाटका की, देखिए भाई एक दो दिन की बात नहीं है साढ़े पांच साल की बात है। अब वो जिस हॉस्टल में उन्होंने रिपोर्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला ना कि अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने बोला कि हम तो सात दिन में एक दिन रोटी बनाते हैं, हमारी जो नॉर्मल मील है लंच डिनर उसमें खूब सारे चावल, दो तरह के चावल और भाई सांबर रसम सूखी सब्जी गीली सब्जी, और जो भी सब्जियों का जो मसाला होता है वो भी, मैं ये नहीं कह रहा वो खराब बना देते कि हमें सूट नहीं करता। तो मेरी MBA भी इंडिया के टॉप कॉलेज से बैंगलोर में थी लॉन्ग बैक 2002-2004, और मुझे याद है कि हर संडे हमें बाहर जाना पड़ता था दिल वाला खाना खाने के लिए, वहां पर तो फिर भी रोज रोटी बनती थी लेकिन वो रोटी खाई नहीं जाती थी, सब्जी ऐसी होती थी। अब वो बेचारा बच्चा वहां गया है, मैंने कहा तुम पहुंच गए हो तीन दिन चले मैं इसमें खाना खा लो, और फिर सोच लो ये खाना अगर तुम्हें साढ़े पांच साल खाना है तो क्या तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो कहने की बात होती है कि खाना हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब साढ़े पांच साल रहना है ना और अब 10 दिन में परेशान हो गए तो फिर पढ़ाई में ध्यान लगाओगे खाने के बारे में सोचते रहोगे, खाना तो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है ना। ऐसी लैंग्वेज वो बता रहे हैं कि सर आपको ठीक कहते थे, एक तो 90% बच्चे तमिल के हैं, खासकर जो तमिल के स्टेट प्राइवेट और सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, 85% तो कोटा ही होता है, कहते प्लस तो पूरा स्टाफ है, गार्ड्स हैं, मे बी अदर देन 5% ऑफ द स्टाफ, बाकियों को भी इंग्लिश हिंदी नहीं आती, उसको तमिल बोल रहे हैं, और हमें सुन के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दूसरी दुनिया में आ गए, और ये सच्चाई है। तो ये जो फैक्टर है ना इसमें आपको ये भी डालना पड़ेगा कि तमिलनाडु में डीम्ड यूनिवर्सिटी शायद वैसे बीच में है पर तमिलनाडु के बच्चे के लिए वो बेटर हो जाएगी, लेकिन हरियाणा के बच्चे के लिए वो डाउन हो जाएगी, हरियाणा यूपी राजस्थान, क्योंकि एक तो वैसे वो एवरेज है, ऊपर से हम ये देखें कि उसमें खाने और लैंग्वेज की मेजर इशू है, क्योंकि आपको साढ़े पांच साल देखना है और लैंग्वेज इम्पैक्ट करता है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और खाना प्रैक्टिस करता है आपके जीने में, रोटी कपड़ा मकान तीन तो ह्यूमन की बेसिक नीड है, उसमें रोटी आपको साढ़े पांच साल अगर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना तो आसान नहीं है। फिर से तो इन तीन के हमेशा ही होता है, तो कुछ आपको कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज टॉप क्लास, फीस भी चलो रीजनेबल है, मतलब रीजनेबल से एक लेवल ऊपर मान लें, आज इस साल उन्होंने बढ़ा दी है, हमदर्द टॉप क्लास रीजनेबल फीस, लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि रीजनेबल फीस के चक्कर में मैं अपने लिए बिलो एवरेज कॉलेज ले लूँ। सो ये जो इस समय आवाजें लग रही है तमिलनाडु की डीम यूनिवर्सिटीज की कि 15-16 लाख फीस में आपको दिया जा रहा है, देखिए उसमें हॉस्टल ऐड होना है, सो मिला के आपको पांच साल अगर साढ़े चार साल भी देते हैं तो आप 80-85 में पहुंच रहे हैं। वेट कीजिए, जो हम सबको समझा रहे हैं कि 80-85 में आपको राजस्थान हरियाणा भी हम दिलवा सकते हैं, और ऑफकोर्स तमिलनाडु तो दिलवाना बहुत ही आसान है, और तभी हम शुरू से कहते हैं कि आप एक अच्छे काउंसलर के साथ अगर संपर्क में रहेंगे ना तो आपको अपने हिसाब से कम एक अच्छा कॉलेज लिए रीजनेबल फीस का, क्योंकि घटकर भी 15-16 लाख रुपए साल को देकर भी आपका जो टोटल पैकेज बनेगा हॉस्टल मिला के वो 80 पार है, और इस पैकेज में आपको हरियाणा या राजस्थान के भी कॉलेज मिल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल एवरेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्वालिटी में नंबर वन है, शायद एवरेज है, एक का शायद हम इसमें भी गिन सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी लैंग्वेज और उससे दूर जा रहे हैं तो दिक्कत ज्यादा है। तो इन सब फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन लीजिएगा, भागिए मत, पहुंच जाते हो तो फिर 2 महीने बाद पछताते हो। JSS मैसूर ठीक है, फीस भी ज्यादा ले रहा है, कॉलेज भी टॉप क्लास है, उसे तो इस साल जितनी फीस बढ़ा दी है तो वो सब चलते हैं, तो अमृता
कॉलेज भी टॉप क्लास है, फीस भी टॉप क्लास ले रहा है, एमए में बुलाना, कॉलेज भी टॉप क्लास है, फिर भी फीस रीजनेबल है। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं। रीजनेबल फीस में भी आपको काफी ऑप्शन अवेलेबल है। सर ये मत सोचिएगा कि डीम्ड 25 के बदले 15 मिल रहा है तो मैं दौड़ के ले लूं, या 22 के बदले 15 मिल रहा है, वो भी तो सर डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी 22 की फीस भी थी क्या वो वर्थ थी? बिल्कुल नहीं थी। बेंगलोर के राज राजेश्वरी सिद्धार्था जो बेंगलोर में खुला है खासकर, क्या उनकी फीस वर्थ है? बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ सर वहां इतना पैसा भेज के वहां भेज रहा हूँ, सच्चा तो मैं आपको नॉर्थ में भेज दिला दूंगा ना। और उसके अलावा छत बाहर वाले की तो ऑप्शन बात नहीं करनी चाहिए आजकल, बट दे आर नॉट वर्थ, देर आर बेटर ऑप्शन। वो तो ये कि मरता क्या ना करता, आपको लास्ट में जाना है तो आप जरूर सोच सकते हैं कि भाई मुझे सीट चाहिए चाहिए मेरे बिल्कुल। और हम टेलिंग यू कि इवन 150 मार्क्स में, अगर आपके 150 नीट में मार्क्स है तो भी आपको नॉर्थ इंडिया में मैं इसी पैकेज में फीस सीट दिला सकते हैं हम। तो फिर आपको डीएम चाहिए तो दिला देंगे, सोच समझ के लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारे साथ जुड़िए, हमारी कंसल्टेशन के वेरियस पैकेजेस हैं, फुल कंसल्टेशन हम डिपेंड करते हैं कि आप हमसे कौन सा पैकेज ले रहे हैं। हमको अभी प्राइवेट सीट में हेल्प चाहिए या आपको एक नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प चाहिए। मिनिमम सेशन अब से हमने चेंज कर दिया थोड़ा, क्योंकि देखिए वो जो हम 10-12 मिनट का बोलते हैं कोई उसमें फोन काटता नहीं है, और फिर मैं मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं बात को बीच में काट दूं। तो हमने अब ऐसा करा है कि मिनिमम 20 मिनट्स 2500 रुपीज रहेगा फोन पे, जिसने अगर मुझसे मिलने आना है, आपको पता है मैं दिल्ली बैठता हूँ, तो 5000 रुपीज हम लेते हैं 45 मिनट के फेस टू फेस सेशन के, और 20 मिनट्स के 2500 रुपीज है। और ये सेशन सिर्फ फोन पे मिलेगा, क्योंकि फिर से रिपीट करूँ, जो भी आता है ऑफिस मिलने वो कभी भी 20 मिनट में उठता नहीं है, 12 मिनट तो बहुत कम की बात हो गई, और फिर वो आधा पौना घंटा लग ही जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर ये रहती है कि अगर आपने ऑफिस आना है तो आप मिनिमम 5000 की कंसल्टेशन बुक कीजिए, जिसमें मैं आपको अच्छे से मोटा मोटा गाइड कर दूंगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। फिर आपने हमारे साथ अगर आगे बढ़ना है तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो मिलकर डिसाइड कर लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए 9633-623-20 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gkworks.in, WORKS, उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें अबाउट अस पे फाउंडर पे जाइए, मेरी प्रोफाइल देखिए, और फिर आपको तसल्ली इत्मीनान हो जाएगा कि आप किस कंपनी और किस इंसान के साथ डील कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।